हो जो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे। क्या बात है। हो झंडा लहराया था बेटे असली मर्दाने थे। असली मर्द वो होता है जो अपनी आन बान शान और अपने तिरंगे को ऊंचा रखे। और क्या बता दिया, हो जो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे। जो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। ओ छोरे, क्यों झूठ बोलते हो साहब? आजादी चरखे से आई थी। किस किस का मानना यह है कि आजादी मात्र गांधी जी के, जिन्होंने आंदोलन किया था उनके कारण आजादी आई? एक बार हाथ उठा के बताएंगे गुरुजी। एक मिनट जी, आप लोग सारे लोग जानते हो, इतिहास को भी जानते हो और वर्तमान को भी। कुछ का मानना यह है कि मात्र गांधी जी के बलिदान से आजादी आई। मैं आप लोगों से पूछती हूँ श्रोताओं, मैं नहीं मानती कि उनके कारण इस देश में आजादी आई। अरे उन नौजवानों के शव जब गए थे, जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, उनके कारण आजादी आई। और कहा कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो हिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो हिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बढ़ता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। और नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सैलाब नहीं होता। आजादी का सैलाब नहीं होता। और दूसरी बात, शहीद हुए, न्यूज कौन कौन देखता है? आप लोग एक बार हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे।
जो न्यूज देखता है, मेरी माताएं बहनें भी, उनको भी पता होगा कि पुलवामा में कितने लोग शहीद हुए। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, एक मिनट शांत हो जाए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब वो शहीद से हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी, अरे उस माँ से किसी ने पूछा जिसका बेटा खोया था, या किसी बहन से पूछा जिसकी राखी खोई थी, या किसी सुहागन से पूछा जिसका माथे का सिंदूर खोया था? नहीं श्रोताओं, पॉलिटिशियन तैयार कर ली सब लोगों ने और कहने लगे कि सैनिक ही तो थे और सैनिक तो देश पर कुर्बान होने के लिए बढ़ते हैं। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, गुरुजी एक मिनट, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या उस माँ की कोई औलाद ला के दे सकता है? क्या उस सुहागन का सिंदूर ला के दे सकता है? क्या उस बहन की राखी कोई ला के दे सकता है? नहीं दे सकता। कह तो दिया कि हमने 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए। क्या एक सैनिक की कीमत 10 लाख रुपए हो सकती है? नहीं हो सकती। तब हरियाणा के बड़े सुंदर कवि हुए और उन्हें बड़ा करारा जवाब दिया, अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, अगर बात अच्छी लगे तो सुनने के बाद ताली जरूर बजाना, कि तुमने 10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को। बहुत अच्छे। कि तुमने 10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, माना कीमत लौटा दी उन पुरुषोत्तम माओ को। अरे लो, अरे लो, हम 20 लाख देते हैं, तुम किस्मत के हेटो को। अगर मंत्रियों में दम है ना तो लड़ने भेजे अपने बेटों को, लड़ने भेजे अपने बेटों को। और ये बता दिया की रक्षा करनी है, अपनी भारत माँ की रक्षा करनी है, तो अपने नौजवान भाइयों के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? छोरी इनके पीछे बहुत भागे। आजकल फेसबुक व्हाट्सएप को इतना जमाना चल गया जी, अगर लड़का भी लड़की बन के बात कर रहा हो ना तो कतई नू कहेगा जहर खा के मरूंगा, यू ही चाहिए, मर जाऊंगा कतई। लेकिन इन कामों में कुछ नहीं मिलता। चार गांव में बदनामी होती है, तेरा फलाने का छोरा ने ये चीज भी है कि फलाने के लड़के ने ऐसा काम कर दिया। करना चाहते हो तो कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी माँ की कोख को गाली ना मिले। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्या क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? क्या क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? और 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी दफन के लिए? अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, और मेरे जैसी हसीना भी दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। और क्या बताया, बन गए आओ बन गए, चलो आज भी
सुषमा मुल्ला हट रोहित प्रधान जी खुश होके तेरी लिपस्टिक पे कह रहे हैं तो सुन नु करे प्रधान जी नु करे लिपस्टिक लिपस्टिक को दिए हाँ लिपस्टिक को दिए 500 रुपए 200 रुपए कम है 711 प्रधान जी महंगाई का जमाना महंगाई का जमाना देखो इसमें सुन एक बात सुन 700 ये भी ना दे पूरे हजार ही देंगे फिर ये रह लेता हजार हो गए 700 ना दे ले हजार ही ले पूरे तू भी क्या याद करेगी हजार ही ले पूरे 700 ये भी ना दे ये भी प्रधान जी हैं अरे ओ हजार रुपए भी देंगे और मेरे जीजा अपने बहन ब्याह रखी है न्यू थोड़ी ब्याह रखी है कुछ देख के ही ब्याह होगी देख लो जी अब देख ले तेरे जीजा कमजोर थे अब हमें क्या देखना देखना तुझे ना अब तो लिपस्टिक के संग काजल भी आ जाएगा चल कोई बात ना अगर थोड़ी बहुत कमी रह जा तो प्रधान जी से फिर कह दिए बैठ के एक तो इधर बैठे एक उधर बैठे ना रहने दे कमी और साथ में कुकड़ी कैसे कुकड़ी कौन यूरी अच्छा ये बताओ भुट्टा मैंने आप लोगों को जो रागिनी सुनाई समझ में आ रही है बढ़िया लग रही है तो ताली बजा दो कैसे हल्का पड़ रहे हो और श्रोताओं जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तब उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश उनकी माँ ने पूछी रे बेटा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता एक वो नौजवान थे जिन्होंने हंसते हंसते वो कहा और क्या कहा हो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला लेकिन गायक का काम होता है पब्लिक को संदेश पहुंचाना जागरूक करना एक बार जोरदार लेकिन इस बात के लिए जोरदार था एक बार कहना चाहूंगी कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे शहीदों की कुर्बानी गुलाम नहीं होने देंगे और कसम खाते हैं जब तक बची है एक बूंद गर्म लहू की हमारे सीने में भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे नीलाम नहीं होने देंगे ये बता दिया
बहुत धन्यवाद।